पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन चल रहा है छठा, ये जानने का करते हैं प्रयास कि किस टीम के पास है सबसे बेहतरीन बोलिंग अटैक। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की क्रिकेट ही बोलिंग के लिए जानी जाती है, तो किस फ्रेंचाइज के पास है सबसे अच्छे गेंदबाज वो जानने का करेंगे प्रयास और शुभमन गिल से करेंगे खास मुलाकात। आज का मेरा ट्रिविया यह है कि कौन सा ओवरसीज गेंदबाज था जिसने PSL के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाई है, जानते हैं आप उसका नाम। हैशटैग आकाशवाणी, अभी आप सभी का स्वागत है। ऑफ कोर्स क्वारंटीन में आ चुका हूं मैं, ये आपको मेरा जो लुक एंड फील जो है वीडियो की चेंज हो गई है, कमरे के अंदर अगले 6 दिन यहीं पर कुछ और काम नहीं करना, आप लोगों से गुफ्तगू करनी है। पर PSL की अगर हम बात करें तो बोलिंग हमेशा यहां पर अच्छी रहती है, लेट्स बी फेयर कि गेंदबाज ज्यादा बेहतर रहते हैं बल्लेबाजों के कंपैरिजन में। इंडिया में देखो तो बैटिंग आपको ज्यादा नजर आती है अच्छी, पाकिस्तान में बोलिंग। तो कौन कौन सी टीम के पास कौन कौन से गेंदबाज हैं, आई जस्ट गो थ्रू इट। कि कराची की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, तिसारा परेरा, अरशद इकबाल, मोहम्मद इलियास, वकास महमूद। मोहम्मद आमिर का पिछला सीजन अच्छा रहा था, 10 विकेट इन्होंने चटकाए थे, इस साल सिर्फ 4 ही विकेट मिले हैं, इकोनॉमी भी 8 से ऊपर चला गया है। और गेंदबाजी इस बार जो हाईएस्ट विकेट टेकर है वो अरशद इकबाल और वकास महमूद हैं। कराची की गेंदबाजी अगर पेपर पे देखे तो मुझे खराब नजर नहीं आती, पर इज इट द बेस्ट, आई डोंट थिंक सो कि कराची की गेंदबाजी है जो बेस्ट है ऑफ द एंटायर लीग। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, कराची के पास बाबर है तो बैटिंग बहुत बढ़िया, लेकिन और पिछली बार तो खैर माशाल्लाह। अब चलो चलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी 2 दिन पहले मैच भी खेल रहे थे, गेंदबाजी में शादाब खान इनके पास है, इनकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं वो, हसन अली जिनका सीजन वैसे अच्छा रहा है लेकिन वो पिछले मुकाबले में थोड़ी सी पिटाई ज्यादा हो गई थी। फहीम अशरफ ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, फवाद अहमद, हुसैन तलत और मोहम्मद मूसा साहब ने तो वैसे वो रसल को भी आउट किया था, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा महंगे कभी कभी पड़ते हैं, पर हसन अली गेंदबाजी अच्छी, शादाब इज अ गुड लेग स्पिनर, पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं, पर इज स्टिल अ डिसेंट बॉलर। हसन अली का इस साल का सबसे अच्छा अगर देखें तो 6 से कम की इकोनॉमी और 10 विकेट ऑलरेडी चटका चुके हैं। पिछले साल के जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो शादाब खान थे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेंदबाजी मुझे वैसे ठीक नजर आ रही है, खराब गेंदबाजी नहीं है ये, पर इज इट स्टिल द बेस्ट, वी शैल फाइंड आउट कि कहां पहुंचते हैं ये। उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स, अभी मुल्तान सुल्तान्स की एक टीम है ये भी, इनके पास इमरान ताहिर है, इनके पास इमरान ताहिर है, इनके पास ब्लेसिंग है, सुहेल खान, सुहेल तनवीर, उस्मान कादिर। समस्या ये कि सुहेल तनवीर को विकेट नहीं मिल रही है। सुहेल तनवीर अच्छी गेंदबाजी किया करते थे लेकिन इस साल अच्छे नहीं कर रहे हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर इस बार बात करते शहनवाज दानी है जिनका इकोनॉमी 11 का है, 9 विकेट चटका है लेकिन 11 की इकोनॉमी है। इमरान ताहिर के खाते में 4 विकेट जरूर है पर 7 4 ही विकेट लिए हैं, 7 की इकोनॉमी से ही इज बीन गुड। सुहेल तनवीर ने 11 ओवर डाल दिए, विकेट कोई नहीं चटकाया, तो ये एक समस्या है। सुहेल तनवीर पिछले साल 7.5 की इकोनॉमी के साथ ये 14 विकेट लेकर गए थे, पर तनवीर के अगर वो विकेट नहीं चटका रहे, इमरान ताहिर इज गुड, ही विल डिलीवर यू द 4 ओवर्स, पर बाकियों का क्या। तो ये एक मुल्तान सुल्तान नॉट एग्जैक्टली राइट अप देयर। पेशावर जालमी, इनके पास बहुत विकल्प मौजूद है, अच्छी टीम लगती है मुझे और इनकी गेंदबाजी मुझे अच्छी लगती है। वहाब रियाज जब अच्छे कार डालते हैं बहुत अच्छे डालते हैं पर 4 में कई बार 45 भी खा जाते हैं। शोएब मलिक, फैबियन एलन, फिडल एडवर्ड, मोहम्मद इरफान, रोमन पावल, नॉट अ बैड काइंड ऑफ, लेकिन वो इंटरनेशनल जो स्टार्स इन्होंने इकट्ठे किए हैं और वो बिल्कुल खराब नहीं है। फिडल एडवर्ड्स ने भी ये T20 लीग में अच्छी गेंदबाजी करनी बहुत शुरू कर दी है। साकिब महमूद सबसे बेहतरीन अभी तक इस साल के रहे थे पर अभी विड्रॉन है तो ही इज नॉट देयर एनी मोर। हाईएस्ट विकेट टेकर लास्ट ईयर वहाब रियाज, 8.5 की इकोनॉमी के साथ 11 विकेट उन्होंने चटकाए थे, पर पेपर पे खराब टीम नहीं है पेशावर जालमी की गेंदबाजी, बट इज इट द बेस्ट, that's a big question, I don't think so to be honest। Quetta Gladiators, Quetta के पास मोहम्मद असनान है, आंद्रे रसल, नसीम शाह, उस्मान शिनवारी, जहीर खान, आकिफ को मैंने गेंदबाजी करते देखा, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। हाईएस्ट विकेट टेकर जाहिद महमूद है इस साल और मोहम्मद असनान है, दोनों ने 6 6 विकेट लिए हैं लेकिन एक ने 9.5 रन प्रति ओवर, दूसरे ने 8.5 रन प्रति ओवर। और पिछले साल भी मोहम्मद असनान जो थे ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर, 15 विकेट उन्होंने चटकाए थे। तो क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की गेंदबाजी सबसे अच्छी है? I don't think so। जो सबसे अच्छी गेंदबाजी मुझे लगती है इस पूरी PSL के यूनिट में, हालांकि गेंदबाजी खराब किसी की नहीं है, ठीक ठाक है सभी की गेंदबाजी, फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, लाहौर और कलंदर्स भैया, दमादम मस्त कलंदर, बढ़िया इनकी गेंदबाजी, सुहेल अख्तर, शाहीन शाह अफरीदी, जेम्स फॉकनर, हारिस श्रॉफ, सीकू प्रसन्ना, राशिद खान,
राशिद खान ने तो अभी 5 विकेट चटकाई है, आई मीन ये रुकते ही नहीं है, ये अब अगर खेल रहे हैं तो फिर ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। जेम्स वॉकनर का क्या जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। तो अगर इस साल की बात करें, शाहीन आफरीदी 10 विकेट चटका चुके हैं, राशिद खान 7 चटका चुके हैं। राशिद की इकोनॉमी 5 से भी नीचे, 4.5 रन प्रति ओवर, और जेम्स वॉकनर 5 चटका चुके हैं, 7 से नीचे इनका इकोनॉमी है, और शाहीन आफरीदी 7.5 की इकोनॉमी के साथ 10 विकेट चटका चुके हैं। पिछले साल भी शाहीन आफरीदी जो थे वो बेस्ट बॉलर थे, 17 विकेट थी इनके पास 7 की इकोनॉमी से। तो मेरे हिसाब से हैंड्स डाउन जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग यूनिट है इस साल की PSL का, वो है लाहौर कलंदर्स के पास। लाहौर दमादम मस्त कलंदर के पास, अच्छी टीम है, अच्छी गेंदबाजी है, और मैं तो इनको पिक कर रहा हूँ कि दे माइट अचीव गो द डिस्टेंस। लास्ट ईयर भी ये अंत तक पहुंचे थे और इस साल हो सकता है ट्रॉफी भी उठा लें। इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड टीम, बट दैट्स अबाउट इट फॉर PSL 6। चलते हैं जरा शुभमन गिल से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। पहला जब इंडिया का मैच खेला शुभमन, और दो ही मैच खेलने को मिले अभी तक, विच इज इन माय ओपिनियन, आपको नहीं कहने की जरूरत, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि दो मुकाबले नॉट इनफ। पहला हैमिल्टन, दूसरा वेलिंगटन, राइट? और दोनों तरफ पिच में बहुत मदद थी हैमिल्टन में, तो पूरी टीम ने 100 रन नहीं बनाए थे यार। सर हाँ, थोड़ा विकेट उतना इजी नहीं था जितने पहले 3 मैच थे, बट हैविंग सेड दैट, जब मैं बैटिंग करने गया तो जब मैं वहाँ पे खेल रहा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि विकेट ऐसा है या बॉलिंग ऐसी हो रही है कि अनप्लेबल बॉलिंग हो रही है। आई थिंक आई वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल, मतलब जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि आई एम इन कंट्रोल, और जिस बॉल पे मैं आउट हुआ वो लास्ट बॉल थी बोल्ट के स्पेल की, और आई थिंक अगर मैं वो एक बॉल निकाल देता, आई थिंक आई वाज प्रीटी, क्योंकि हमारी टीम के वैसे रन नहीं आ रहे थे, आई वाज क्वाइट डेस्परेट टू यू नो शो माय गेम टू एवरीवन कि मैं कैसे खेलता हूँ। तो उस चक्कर में मतलब थोड़ा सा वो एक बॉल गेम थी जिससे मैं आउट हो गया, बट अगर वैसे मेरा माइंड सेट और वैसे उतना कोई प्रेशर भी नहीं था, और बस वो कहते हैं ना वन बॉल गेम था, अगर वो बॉल निकाल देता तो सिनेरियो शायद कुछ और होता। अंडर 19 में, एक्चुअली अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जब आप वर्ल्ड कप जीते भी, वो ट्रॉफी में बात बताऊंगा उस बारे में, मैं लकी है फोटो, उस समय ये चर्चा हो गई थी कि रन किसी ने कितने बनाए हैं, पृथ्वी कप्तान था, टीम जीती है, शुभमन गिल, सबने बात की यार ये एक लड़का आने वाला है, उसमें साइमन डूल भी थे, ओवरसीज कमेंटेटर्स और भी थे, कानों में आ गई थी खबर कि भाई लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि शुभमन अब इंडिया खेलने वाला है। हाँ जी सर, पता चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो मैंने उससे पहले मेहनत की थी या जो मैंने उससे पहले परफॉर्म किया था, अब लोगों को पता चल रहा, तो अच्छा लग रहा था। तो यू वन द चैंपियनशिप, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी आप ही थे, ट्रॉफी वो उसी टूर्नामेंट की थी, क्योंकि रन बहुत सारे बनाए थे आपने। वाज दैट द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ कि वर्ल्ड कप जीता हूं मैं, इंडिया के मैंने कपड़े पहने, बशर्ते चाहे वो है अंडर 19। हाँ जी सर, ऑब्वियसली हर एक प्लेयर जब हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो एक ही ड्रीम होती है, कि कोई ऐसे नहीं खेलना शुरू करता कि मुझे यू नो रणजी ट्रॉफी खेलनी है या फिर मुझे IPL खेलना, सब ऐसे यही बोलते हैं कि यार इंडिया के लिए खेलना, इसलिए क्रिकेट शुरू करते हैं। और जब आप कुछ भी अचीव करते हो इन दैट कलर्स, तो यू थिंक कि यू हैव जस्टिफाइड द प्रैक्टिस एंड यू हैव द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन। तो मुझे भी वैसा, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा शुभमन, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं जब भी जिससे बात करता हूँ सबसे एक ही बात कहता हूँ, हमारे यहाँ प्लेयर नहीं खेलता है, पूरी ताकत, सबको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इनफैक्ट आई हैव अ पिक्चर फॉर यू यार,
अगर तुम मुझे, हाँ ये वाली एक पिक्चर है, यू कैन सी दिस, यस आई कैन, ये कौन सा था, ये वर्ल्ड कप अंडर 19, हाँ जी वर्ल्ड कप अंडर 19 का था, और सो पेरेंट्स का आई थिंक मेरे लाइफ में मेरे उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली सबके सबके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा मतलब एक एक स्टेप उनके इतने बड़े थे, अगर उसमें से कोई एक भी स्टेप ऐसा वो नहीं लेते तो मैं यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि एक माय फादर वाज अ लैंडलॉर्ड, ही वाज अ फार्मर, अगर अपना सब कुछ छोड़ के, और मैं तब सब 6.5-7 साल का था जब हम चंडीगढ़ में, तो सब कुछ छोड़ के अपने पेरेंट्स, उनके लिए उनके पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पे आना बहुत बड़ा स्टेप था, और सिर्फ वजह सिर्फ मेरी क्रिकेट के लिए आए थे कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे हम पहले रहते थे, तो वो तब मैं छोटा था तो मुझे उस चीज़ की सर इतनी अहमियत नहीं पता थी कि 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है कि क्यों जा रहे हैं, बस इतना पता था कि वे गोइंग टू अ बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह जा रहे हैं, यहाँ से अच्छी जगह जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो पता चलता है आपको कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ, तो वो ये कि अगर इतने सारे मेरे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मदर, मेरे फादर ने इतने बड़े बड़े स्टेप लिए, उनमें से कोई एक भी नहीं, एक एक में भी गलती हो जाती तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर होता जाऊँ। जितने भी गोल सेट करता हूँ वो मेरे सारे गोल बहुत ही शॉर्ट टर्म तरीके से होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने मेरे शॉर्ट टर्म गोल मैं जितने ज्यादा अचीव करूंगा मेरे लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में उतनी आसानी हो जाएगी। Thank you so much. Wish you all the very best, Shubman. I really hope कि आप अच्छा करो, IPL में खूब सारे रन बनाओ। मैं फिर बोलूंगा, उम्मीद यही है कि Shubman की बैटिंग, मतलब Shubman Gill जीत लिए बहुत सारे दिल और बोलर कर दिया, किल एंड ऑल ऑफ दैट, बड़े थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, टेक केयर, थैंक सो मच Shubman, टेक केयर सर। ट्रिविया आज का ये था भैया, देखिए कौन है वो PSL का बोलर जिसका ओवरसीज बोलर जिसने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, द बोलर इज आंद्रे रसल। सरप्राइज सरप्राइज, 2016 का वो सीजन था जब 16 विकेट चटकाए थे मैक्सिमम बाय एन ओवरसीज बोलर इन अ सीजन ऑफ द PSL। वेल डन आंद्रे रसल, पिछले मैच में तो ओके ओके जा रहा था, बट देन आप आजकल उनको बतौर बल्लेबाज ज्यादा देखते हैं, गेंदबाज थोड़ा सा कम देखते हैं, पर आज के लिए इतना ही है, कल फिर आएंगे, कल कुछ और नई कहानी बताएंगे, अपना ध्यान रखिएगा, जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। रनअप देखिए, ओ लेफ्ट आर्मर, अच्छी जंप, बढ़िया स्ट्राइड, ब्रिलियंट, हुनर है होनहार है, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये नन्ना वसीम अकरम देखिए, ओ हो